शाम का समय था। मैं मेरा शिरडी का व्लॉग एडिट कर रहा था। मम्मी पापा सो रहे थे, तभी किसी अनजान व्यक्ति ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं डर डर के दरवाजे की ओर बढ़ा, हाथ कांपते कांपते दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही दरवाजे पे वो अनजान व्यक्ति खड़ा था। उसने मुझसे ओटीपी मांगा। मुझे लगा एक ओटीपी से मेरा पूरा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। भाई मैंने अमेजोन से एक पार्सल ऑर्डर किया था, तो वो बंदा अमेजोन सर्विस से आया था और मेरा पार्सल लेके आया था। ये रहा वो पार्सल। तो अब मैं इसके अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, और क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या है, तो आपको नहीं पता है। तो और वैसे भी ये मेरा सामान है, इसको खुलते टाइम रिकॉर्ड करने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि भाई रिकॉर्ड ही कर लेते, कंटेंट का कंटेंट, काम का काम, दोनों हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। चलो, तो मैं मेरा हाईली प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग स्किल्स के साथ आया हूँ, और मेरे पास एक अनबॉक्सिंग नाइफ भी है। ये देखो भाई, कुछ नहीं मिला तो घर का किचन नाइफ उठा के लेके आया मैं, लेकिन अपना काम तो हो रहा है ना भाई। बस तो पहले बताता हूँ, मेरे इसमें चार आइटम्स हैं, तो मुझे लगा था अलग अलग आएंगे, लेकिन एक साथ ही आ गए, तो अच्छी बात है। तो खोलते, कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से भी डैमेज नहीं है। भाई ये कट ही नहीं रहा है, घुसा। भाई किचन नाइफ भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लाइक नीचे रख देता हूँ, मेरा पेन तो दिख ही नहीं रहा था। अब ये कहीं से ओपन तो लग रहा है नहीं, ये सील भी है यहाँ पे, कहीं से ओपन तो दिख रहा है नहीं। फिर से अपना प्रोफेशनल नाइफ के साथ 10-15 कट के साथ खोल दिया। अब एक लैपटॉप खोलते, ये देखो गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा। तो पहले ये जो बिल है साइड में रखो, पहले सब सामान उठा के आपको रख देता हूँ। ये जो कार्डबोर्ड है बाद में काम आएगा। अब सबसे पहले जो मेन चीज है इसमें वो है ये बोया BY MM1+ का माइक है ये, और यहाँ पे स्पीकर भी है, मतलब ओरिजिनल है। मैंने देखा था अगर स्पीकर नहीं रहेगा तो फेक रह सकता है, इसके लिए मैंने ये पहले देख लिया था। अब माइक खोल के देखेंगे बाद में, लेकिन बॉक्स में और क्या कंटेंट्स है, तो ये एक USB हब, क्या मेरे लैपटॉप में दो पोर्ट्स है, एक 2.0 3.0, और मेरे पास 3.0 के तीन डिवाइस है, माइक, हेडफोन और माउस। और मैंने एक जो USB पोर्ट लगा है उसमें एक ही 3.0 सपोर्ट है, बाकी के तीन एक्स्ट्रा है वो 2.0 वाले, इसलिए मैंने 2.0 में ही लगाया, और उससे मैं उससे रिकॉर्ड कर रहा था। तो अभी मैंने 3.0 का लिया है, इसमें सब 2.0 है, यहाँ पे USB 3.0 लिखा है, एक मिनट देखो, USB 3.0 लिखा है। चलो इसको रखते बाजू में। प्लस साथ है ये माउस पैड, मेरे पास माउस पैड था नहीं तो मैंने माउस पैड भी ले लिया, फैब्रिक अच्छा है इसका, दो साइड में रखते हैं। और जो सेकेंड मेन चीज़ है, ये सब तो दो माउस पैड और वो USB नॉर्मल था, लेकिन ये माइक के बाद ये मेन चीज़ है, ये
256 GB का SSD कार्ड है, माइक क्या बोलते हैं यार, तो अडेप्टर भी है उसके साथ, माइक्रो SDXC कार्ड है, वो सैमसंग का है, सैमसंग ईवो मैंने लिया था। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ छोटी चीज़ों से लेके बड़ी चीज़ें तक, ठीक है। तो पहले छोटी चीज़ है वो ये है, लेकिन मैं इसको नहीं खोलूँगा, मैं अगली छोटी चीज़ खोलता हूँ जो कि है अपना बाइक। तो भाई रहा नहीं जा रहा था यार मुझसे, पहले मुझे माइक देखना था, ये इसमें तो माइक की भी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही हेड से लग सकता है भाई, माइक नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, हाथ से खुल जाएगा, तो वैसे ओपन कर लेंगे, बॉक्स खुल गया। हाँ है शायद बराबर, और तो नीचे अभी के लिए, और बॉक्स में क्या है, कुछ स्पीकर से बॉक्स में, और ये बाकी की चीज़ें, तो बॉक्स को रखते हैं नीचे। ये वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल चाइनीज में लिखा है, टिंग टोंग चिंग टोंग चो, ये बोया के कुछ स्टिकर्स है मेरे पास, उसे बहुत स्केच पड़ी क्योंकि मैंने बोया का और चीज़ें मंगाई थी, जिसमें एक बोया का बोया M1 प्लस M1 माइक भी था, बोया BY M1, तो इसको रखते ये मेरे कलेक्शन में काम आएगा। तो बॉक्स में सबसे बड़ी चीज़ें जो है माइक है, तो मैं माइक को लास्ट में खोलूँगा, तो पहले देखते ये वायर, ये जो कॉर्ड है क्वालिटी तो अच्छी है, और प्लस यहाँ पे मेंशन भी किया है, यहाँ पे माइक्रोफोन और यहाँ पे कैमरा, तो यहाँ पे दिख रहा तो है नहीं, यहाँ पे कैमरा का इमेज है, और यहाँ पे माइक का इमेज है, तो मतलब ये DSLR उस सब में काम आएगा, तो मुझे इससे अभी तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूँ वेबकैम, जो वेबकैम मेरे PC में कनेक्टेड है, मैं स्ट्रीमलैब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब मेरे लिए जो है वो है ये कॉर्ड मेरे लिए है, तो इसको पहले अच्छे से देख लो, चलो जल्दी खराब नहीं होगा, ये माइक और ये सेट फोन जाएगा, दिख रहा तो फिर भी नहीं है, लेकिन देखो कॉर्ड का क्या वी के लिए बात हो, प्लस ये सेकंड है, ये माउंट, इससे क्या है माइक हिलेगा नहीं, माइक को कुछ मक्का वक्का लगेगा तो माइक ज़रा सा स्टेबल रहेगा। प्लस के साथ है ये एक पैकेट, मैं ये मेरे पास चार पड़े, इसमें मैंने जो मेन चीज़ें वो छोड़ के बाकी का सब कुछ रखा, तो मैं इसमें अभी ये माइक रखूँगा, ये पॉकेट में मैं माइक रखूँगा, इसका यूज़ मैं डेफिनेटली करूँगा। प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें वो है ये जेल, तो खाते तो नहीं है तो इसको से बात करें। प्लस अरे एक और चीज़ इसमें, ये माइक का क्या बोलते उसको कार्ड जो कुछ भी है, अब ये इसमें जो मेन चीज़ है वो है ये, पहले निकाल लेता हूँ, निकल जा भाई निकल जा, तो ये है क्या बोलते हैं छोटी बिल्ली, ये कैट फर है, ये बेसिकली जो नॉइज़ आता है हवा का जो नॉइज़ आता है वो इससे कम हो जाता है, ये उसके लिए, और ये है अपना माइक। अच्छा तो है भाई, यहाँ पे बारकोड भी है, और मैंने ये माइक उसी के लिए लिया था क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दो पोर्ट्स है,
तो एक माइक का कॉर्ड जो प्लग इन करने के लिए, और दूसरा अगर मैं फोन में यूज कर रहा हूँ तो मुझे हेडफोन्स के लिए दूसरा अलग से एक जैक नहीं लगाना पड़े, इसके लिए इसमें पहले से दिया हुआ है, तो ये एक मुझे अच्छा लगा। इसको उसमें ही रख देते हैं। नहीं भी नहीं। फिर आता है ये एमकेट का, इसके लिए भी ये भी सील पैक है, ये भी डैमेज प्रोडक्ट नहीं है, तो इसके लिए भी इसको ऐसे कुछ 4-7 कट्स लगा के डल नाइफ पे आप किसी नाइफ क्या करें। अब इसको बॉक्स में, इसको और इतने खाली बॉक्स है तो बॉक्स फेंक दो। ये भी पूरा इसके साथ सेक्शन के साथ आया। ये इसके कॉर्ड की क्वालिटी भी भाई बहुत सही है। कॉर्ड की भी क्वालिटी सही है, और यहाँ पे लिखा है 4 पोर्ट USB हब 1.0। तो भाई इसकी भी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। माउस का फैब्रिक सही है, नीचे से रबर फिनिश है, ऊपर से माउस रखने के लिए। तो ये माउस की जो फिनिश है वो मुझे अच्छी लगी, प्लस ये बॉर्डर्स जो है वो अच्छे से कवर किया है, अगर नॉर्मली होता तो भाई वो प्रॉपर अच्छा नहीं होता, तो ये मुझे अच्छा लगा। ये मैं अभी माउस के नीचे रख देता हूँ। अब इसके लिए मुझे अब कैची निकालनी पड़ी। ट्रिम लाइन से काटा है, तो निकालना भाई बहुत बहुत मुश्किल है। ये रहा अपना, बात भी तो निकल रहा है, ऐसे ऐसे खुलेगा। मैं यहाँ से देख रहा था तो वो खुलेगा ऐसे। ये रहा अपना MicroSD कार्ड, ये अडेप्टर। पहले अडेप्टर को डालो, नहीं अडेप्टर को कार्ड में तो डाल, फिर कार्ड को अडेप्टर में डालेंगे, भी लैपटॉप में डालूंगा भी नहीं। एक अच्छा सा मूवी देख रहा, ये वारंटी कार्ड है। अब सब प्रोडक्ट्स को देख लिए, अब ये माइक की क्वालिटी चेक करते हैं। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो ये माइक की है, मैंने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्ड और ऑन किया है, और अपना नॉर्मल स्ट्रीम लैब्स पे जो है वो माइक एक्चुअली ऐसा रखना चाहिए। 1 मिनट, हाँ तो अभी आपको प्रॉपर आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि माइक तो ऐसे ही रहेगा। शॉक माउंट पे लगा देता हूँ। हाँ भाई, बहुत देर के बाद माइक इसमें गया है, शॉक माउंट में गया है, तो आप ये देख सकते हो माइक शॉक माउंट पे है, और अपना कैट फर भी अच्छा है, मतलब सॉफ्ट है, आपको शायद से कुछ आ रहा नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसे भी ये करूँगा तो मारूँगा तो शायद से आ रहा होगा, लेकिन अगर ऐसे करूँगा नॉर्मली और ऐसे अगर हिलाऊँगा या फिर आवाज़ नहीं आ रहा होगा, तो मतलब ये एक अच्छा माइक है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट दोस्तों को पहुंचा दो, अपने प्रियजनों को ये वीडियो दिखा दो, उनको मेरा चैनल के बारे में बताओ। ठीक है, चलो।